नमस्कार दोस्तों, रियाजन टेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ किसी भी फोटो का बैकग्राउंड सिर्फ एक क्लिक में कैसे कट करते हैं अपने मोबाइल से। तो दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रियाजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियाजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सेट। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही पिक्सआर्ट है तो दोस्त इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में पिक्सआर्ट नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं पिक्सआर्ट, और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से डायरेक्ट आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्त, हमें यहाँ पर क्या करना है, पिक्सआर्ट से अपने किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कट करना है। तो दोस्त, आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आता है। इस एडिट पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो फोटो उठाने का ऑप्शन आ जाएगा, अपने गैलरी से फोटो जाके उठा सकते हैं। चलिए दोस्त, मैं इस फोटो को यहाँ पे ले लेता हूँ। अब दोस्त, इस फोटो का हमें बैकग्राउंड कट करना है। तो दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं कटआउट का एक ऑप्शन आता है, इस कटआउट पे हमें क्लिक करना होता है। मैंने यहाँ पे कटआउट पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब आदमी का सिंबल बन के आ रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पहला जो सिंबल बन रहा है, इस सिंबल पर हमें क्लिक करना होता है। चलिए, मैंने यहाँ इस सिंबल पर क्लिक कर दिया है। तो दोस्त, आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही सिंबल पे क्लिक किया है, फोटो सेलेक्ट हो गया, प्रॉपर तरीके से फोटो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्त, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस फोटो का सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। यहाँ पर सेव पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और अपने इसी फोटो को हम गैलरी में सेव कर लेंगे। अब ये फोटो हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। ठीक है दोस्त, ये फोटो अब हमारा PNG में बन चुका है, इसका बैकग्राउंड कट हो चुका है। अब चलिए हम अपने गैलरी में दिखा देते हैं इस फोटो को। इस फोटो मैंने अपने गैलरी ओपन किया और यहाँ पे चलते हैं अपने पिक्सआर्ट के एडिटिंग में। आप पिक्सआर्ट के एडिटिंग में आ चुके हैं। ठीक है दोस्त, इसका मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड कट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस फोटो का हम कहीं भी उठा के किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर रख सकते हैं। चलिए फिर से हम पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं। पिक्सआर्ट दोस्त मेरा फिर से ओपन हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पर हम एडिट पर क्लिक करते हैं। अब दोस्त, इस फोटो को हम किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर रख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें इस बैकग्राउंड के ऊपर रखना है, इसे मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है दोस्त, सेलेक्ट कर लिया है। और हमें यहाँ पे क्या करना है कि उस PNG फोटो को उठाना है जिसका हमने इमेज कट किया था, बैकग्राउंड कट किया था। यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और इस फोटो को हम यहाँ पे PNG में इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्त, अब देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कट हो चुका है। अब आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, किसी भी फोटो के साथ इसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्त, इस तरह से अपने फोटो उगाया सिर्फ एक क्लिक में अपने बैकग्राउंड अपने फोटो का कट कर सकते हैं और किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर रख सकते हैं, यानी अपने फोटो को सिर्फ एक क्लिक में PNG में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रियाजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप रियाजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।